उत्तर प्रदेश में 2017 में सरकार आने के बाद आज प्रदेश ने अपने परंपरागत उत्पाद को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कदम उठाए, अनेक प्रयास हुए। आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने परंपरागत उत्पाद के लिए अपनी एक पॉलिसी बनाई। 75 जनपद है तो 75 जनपदों के लिए किसी एक उत्पाद को वहां के लिए चिन्हित करते हुए उसे आगे बढ़ाया। और आज यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में 75 जनपद की आज प्रत्येक जनपद की अपनी एक यूनिक प्रोडक्ट है, जिसे हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में कहा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ने सरकार ने उसको मार्केट के साथ जोड़ा, डिजाइनिंग के साथ जोड़ा, पैकेजिंग के साथ जोड़ा। परिणाम क्या है कि यहां पर रोजगार का सृजन भी हुआ, एक्सपोर्ट भी यहां का परंपरागत उत्पाद होना प्रारंभ हुआ। 75 हमारे पास डिस्ट्रिक्ट है, 75 जीआई प्रोडक्ट भी उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में मौजूद हैं, जिन्हें आज उत्तर प्रदेश के अंदर देश के अंदर मान्यता प्राप्त हुई है। और ये संभावना उत्तर प्रदेश के अंदर है, जिसमें मुबारकपुर की साड़ियां भी हैं और वाराणसी भदोही की भी ये साड़ियां जो आज आपको बाहर देखने को मिलेंगी, इन सभी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के इस पोटेंशियल को आगे बढ़ाने का एक अवसर प्राप्त होता है।